बच्चे हर परिवार की जान होते हैं। इनकी मौजूदगी से ही परिवार में खुशियां आती है। मगर भारत में हर साल सैकड़ों बच्चे गायब कर दिए जाते हैं। कुछ बच्चों का पारिवारिक दुश्मनी की वजह से अपहरण कर लिया जाता है, कुछ को बहला फुसला कर घर से या स्कूल से उठवा लिया जाता है और उन्हें बंधक बनाकर उनसे भीख मंगवाई जाती है, चोरी भी करवाई जाती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होता है। और इनमें से कुछ ही खुशकिस्मत होते हैं जो अपने घर वापस लौट पाते हैं। मगर यहाँ जो हमने देखा वो बेहद चौंकाने वाला था। यहाँ अपने ही घर के बच्चे को किसी और के हाथ में सौंपा जा रहा था। क्यों? क्या वजह थी? कैसे कोई इंसान अपने ही खून को इस तरह अपनी मर्जी से किसी और के हाथ में सौंप सकता है, वो भी रात के अंधेरे में? क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी या इसके पीछे कोई और ही वजह थी? इस कहानी के पत्ते जब खुलेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। अरे बहू, अरे कहां हो बहू? अरे जाके देखना, बाबूजी चिल्ला रहे हैं। जल्दी आओ सुधा, अरे मुझे नहाना है। अरे बहू। अरे सुना नहीं? ओ कोई सुन रहा है? मनीषा देखना, बाबूजी चिल्ला रहे हैं कब से। जा, आप जाकर देखिए ना। वैसे भी सुबह सुबह बाबूजी को संभालना सुधा जीजी की जिम्मेदारी है। जरा जुबान मत चला, नींद खराब हो रही है हमारी। जा। आशा, अरे भेजो बहू को जल्दी। सुधा जी, जी ये सुधा जी जी और जेठ जी कहाँ चले गए सुबह सुबह? अरे बहू जी, बाबू जी अभी आई। बाबू जी। हाँ मनीषा, तुम क्यों आई? सुधा कहाँ है? जी पता नहीं, पर वो घर पर नहीं है, शायद किसी काम से बाहर गई होगी। आप आइए। चलो अच्छा है, घर में नया मेहमान आने वाला है। अब हम अपने पोते के साथ खेलेंगे। पर बाबूजी, आपको कैसे पता कि पोता ही होगा? हम सब जानते हैं मनीषा। चलो अच्छा है, जगत को तो हो ही रहा है, पर ना जाने मेरा बड़ा बेटा विवेक कब अपने बेटे का मुंह देखेगा। बाबूजी, अगर बेटी भी हुई तो क्या हुआ? हाँ जैसा बोल दिया दोबारा ऐसा मत बोलना, हमें सिर्फ बेटा चाहिए, बस पोता। बाबूजी मेरा हाथ दुख रहा है। इसलिए दुखा रहे हैं ताकि इसका दर्द तुम्हें याद रहे और फिर कभी ऐसा मत बोलो, समझी? काश ये कोई मर्द होता जो सुधा की गोद में बेटा दे जाता। जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? काश तुम्हारा पति जगत ही उसके पेट में बेटा दे देता। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म कैसी? इस घर में सब कुछ साझा है, दीवारों के पीछे क्या क्या होता है किसे क्या पता। कम से कम मेरा बड़ा बेटा विवेक तो सीना चौड़ा करके जी सकेगा। और सुनो, सुधा को तो बेटा देना ही होगा, ऐसे या वैसे, समझी? अरे बहू, अरे जा कहां रही हो? अरे मुझे नहलाएगा कौन? अरे बहू, अरे सुनो तो, अरे मेरा नहाने को मन कर रहा है। अरे मनीषा, मुझे नहला दो। अरे बाबूजी कब से बुला रहे हैं, जा जाके नहला दे उन्हें। मैं नहीं नहला सकती उन्हें। कोई नहीं सुनता। अरे आशा, भेजो बहू को। पिटे सुए कहाँ बह रहे हैं? हाँ, कहाँ वो बाबूजी? अच्छा, एक दिन आपने बाबूजी को नहला कह दिया,
अब तो बखेड़ा खड़े किए जा रही हो। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अब आपको इस हालत में हम दो थप्पड़ तो नहीं लगा सकते, है ना? एक आपने बीए की डिग्री क्या ले ली? संस्कारों की एबीसीडी भूल गए आप? मां बनने वाली हो इसलिए आपको काम नहीं करने देते हैं। एक बार मेरा बच्चा हो जाए फिर आपको आपकी जगह दिखाते हैं हम। सुधा भाभी भी शादी के बाद बाबूजी की सेवा करने में नानुपुर कर रही थी। भैया ने चार आज चमके लगाए तब से पटरी पे आ गई, आज तक चुपचाप बाबूजी को नहलाती है। क्या जेठ जी ने जीजी को मारा? हाँ, क्योंकि तुम्हारी तरह सुधा भाभी ने बाबूजी को नहलाने से इनकार किया था। और तुम भोल लोगों की आदत होती है ना सर पे चढ़ने की। बहुए सर नहीं चढ़ रही है, आपके बाबूजी गिर गए। बकवास मत कर। बकवास नहीं कर रही हूँ मैं, बाबूजी ने बहुत गंदी बात की मेरे साथ, शायद इसीलिए सुधा जी ने उनका विरोध किया होगा पहले। वो पाप है मेरे, वो पाप। मैं कह रही हूँ कि वो अब एक शब्द और मुंह से निकाला ना तो इस घर से बाहर होगी। फिर से ट्राई करती हूँ। सुधा जीजी के अलावा ये बात और कोई नहीं समझेगा, पर वो है कहाँ? अरे आए हाय, मुन्नी भाई उन तिलों में तेल नहीं है, लाला दो दमड़ी भी ना देगा, बेटी जो आई है। आए हाय, तिल चाहे कैसे भी हो तेल निकलना है मुन्नी भाई अच्छी तरह जानती है, 10,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी। अरे देख मुन्नी कैसा दमक रहा है तेरा, देखना बेटा आएगा बेटा, वंश को वारिस देगी तू। मुन्नी भाई का कहा कभी झूठ नहीं होता। अरे अभी रखी से पैसे लेंगे और बहुत सारे लेंगे, पर वक्त आने पर खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, चलो। ए! क्या हुआ, ये बाहर बेशर्मों की तरह खड़ी क्या कर रही है? हैं? चल भीतर, पेट से है थोड़ी ढिलाई क्या दे दी? अरे तेरे तो नखरे बढ़ गए, 7 महीने पूरे हो गए हैं, 8वां लग गया है, अपने हाथ पैर चलाना शुरू कर, चल घर का काम कर। जी कहाँ गई थी आप? सुबह से आपको फोन करने की कोशिश कर रही, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। जीजी क्या हुआ जीजी आपको? जीजी 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 सब ठीक तो है? क्या 8वीं बार मेरा बच्चा गिरवाया गया, क्योंकि इस बार भी मेरे बेटी थी, हर बार रोई चिल्लाई
किसी पर कोई असर नहीं हुआ, पर आप तैयार हो गई। हर बार क्या करती मैं, पहली बार तो मुझे पता ही नहीं था कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे लगा रेगुलर चेकअप के लिए ले जा रहे, पर जब पता चला कि बेटा नहीं है तो बड़े प्यार से मुझे समझाया कि बच्चा गिरा था। जब अगली बार भी यही सब करना चाहा तो मैंने विरोध किया। इन्होंने मुझे इतना मारा कि मेरा बच्चा मेरे पेट में ही मर गया। किस्मत वाली हो छोटी, क्योंकि तुम्हारे पेट में बेटा, इसका मतलब मेरा भी। तुमको क्या लगा चौथे महीने में तुम्हारी सोनोग्राफी क्यों करवाई, और वो भी यहां से 20 किलोमीटर दूर ले जाकर? अच्छा, तुम्हें वो सब नहीं सहना पड़ेगा जो मैंने सहा है, क्योंकि तुम तो बेटा जनने वाली हो ना। छोटी, छोटी क्या हुआ? छोटी, दीदी, दीदी लग रहा टाइप हो गया। छोटी अभी तो 8वां महीने ही लगा है। छोटी, माजी, माजी जल्दी आइए। सुधा को 8 बार इस दर्द को सहने पर मजबूर किया गया। वजह, उसकी कोख में बेटा नहीं बेटी थी। सोनोग्राफी के जरिए लिंग परीक्षण भारत में अपराध की श्रेणी में आता है। सोनोग्राफी इजाद हुई ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास पर नजर रखी जा सके, लेकिन इस तकनीक का गलत फायदा उठाया सुधा की सास जैसे लोगों ने। आज भी गैर कानूनी सोनोग्राफी करके हजारों लोग गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करते हैं, और हजारों बच्चियों की सांसें दुनिया में आने से पहले ही घोंट दी जाती है। और आंकड़े बताते हैं कि इस सब में पहल घर की कोई महिला ही करती है। समझ में नहीं आता कि खुद एक औरत होकर किसी बेटी की जान कैसे ली जा सकती है। सुधा का सच जानकर मनीषा के होश उड़ गए, और वो ये जुल्म सहने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर, कुछ भी करो, बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ रहा है, और हम दोनों को बचाने की कोशिश करेंगे, मगर इस वक्त कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? हे भगवान, बहू को भले ही उठा लेना, पर हमारे पोते को बचा लेना। बहू मर जाए पर पोते को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी सोच सिर्फ आशा की नहीं बल्कि हजारों भारतीय घरों में ऐसा देखने और सुनने को मिलता है। क्या शादी करके बेटी को घर में सिर्फ इसलिए लाया जाता है कि वो एकदत पोता दे सके? इसके अलावा उसका कोई अस्तित्व, कोई वजूद नहीं। या तो वो मनीषा की तरह बेटा दे दे, या फिर सुधा की तरह नौकरानी बनकर डांट फटकार मार सहती रहे। एक तरफ हम औरतों को देवी मानते हैं, नारी के विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं, नवरात्रों में उन्हें भोजन कराकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, और दूसरी ओर हमारी सोच उनके बारे में इतनी छोटी है। खैर, ये दोहरा मापदंड हमारे यहाँ जड़ों में है। अब देखना ये था कि बेटा पाने की चाह सुधा और मनीषा की जिंदगी में अब कौन सा नया मोड़ लाने वाली थी। पेशेंट बहुत कमजोर है, काफी खून बह गया है, कुछ हफ्ते देखभाल करनी पड़ेगी। हाँ, रख लेंगे, पर हमारा पोता प्री मैच्योर होने की वजह से बच्चा कमजोर है, इसलिए इंक्यूबेटर में रखा है। लेकिन आपको कैसे पता कि बच्चा लड़का है लड़की नहीं? मन्नत मांगी थी मैयर की माताजी से। माताजी से जो मन्नत मांगो वो अवश्य पूरी होती है। पोते के साथ साथ कभी कभी बहू की खैरियत के लिए भी मन्नत मांग लिया कीजिए। अच्छा खैर, अभी कुछ दिनों के लिए माँ और बच्चे दोनों को हॉस्पिटल में ही रखना होगा, अब बाद में आके नहीं ले जा सकती हैं। तू कहाँ चली महारानी? सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? बच्चा कमजोर है, जब तक डॉक्टर छुट्टी ना दे दे तुझे यही रहना है।
ध्यान रखियो, हमारे पोते को कुछ हो गया ना तो समझ लीजो, ना तो हम तुझे जिंदों में छोड़ेंगे और ना मुर्दों में। रुको, बाहर की नजर को बाहर ही रखना है। ए, तू इस शुभ घड़ी में अपनी मनहूस सूरत लेकर क्या कर रही है? चल हट जा यहां से। अम्मा ने क्या कहा सुना नहीं तूने? चल दफा हो यहां से। हम अपने मुन्ने राजा को किसी की नजर नहीं लगने देंगे। आओ आओ आओ, अंदर आओ। जीजी के कमरे में क्या कर रहे? अपने काम से काम रख, जाके बच्चा संभाल। चल। ऐसा नहीं हो सकता, दरवाजा खोलिए, ऐसा नहीं हो सकता। जगत दरवाजा खोलो, सुधा जी जी, जगत दरवाजा खोलो। अम्मा जी देखिए ना, ये सब निशा के लिए नहीं बैठा है तेरा मर्द उसके साथ। बस कुछ ही दिनों की बात है, एक बार विवेक के भी बेटा हो जाने दे, फिर भाग लेना अपने पल्लू के साथ अपने कसम को। अम्मा जी आप ही कैसे होने दे सकती है? जगत की भाभी है सुधा जी जी। विवेक भी भाई है उसका। क्या चाहती है? बेटे की माँ बनने का सुख सिर्फ तुझे ही चाहिए? नहीं, मेरे दोनों बेटों के बेटे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे पति को ये... विवेक भैया, आप चुप क्यों हैं? सुधा जी जी पत्नी है आपकी। पत्नी होती तो बेटा देती। जाओ अपना काम करो। जबान बंद कर, जा जाके बच्चे को दूध पिला। अरे मनीषा, ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? और जगत, विवेक, अरे बचाओ इसे! अरे बहू पागल हो गई है। ये तो तेरे बाबूजी की आवाज है, घर के पिछवाड़े से। चलो बाबूजी। अरे बाबूजी, मुझे ये देखो, मार डालेगी मुझे बाबूजी, मार डालेगी ये। क्या कर रही है? छोड़ इन्हें। छोड़ दूंगी सच में, भगवान की कसम, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाए तो। जल्दी से सुधा जी जी को बाहर निकालिए। मनीषा, ये क्या बदतमीजी है? अरे बदतमीजी तो वो है जो आप लोग कर रहे हैं। आपका बेटा इस दुनिया में आए ना है। आपका बाप जरूर इस दुनिया से चला जाएगा अगर आपने चीजों को बाहर नहीं निकाला तो। आप भी फौरन। अरे कोई सुधा को जल्दी लेके आओ, मुझे बचाओ। देख क्या रहा है, टंडी बनी बैठी है ये। जा, जाके सुधा को लेके आओ। आप लेके आओ जल्दी। अरे जल्दी लेकर आओ सुधा को। ये रही तुम्हारी जीजी। जीजी, 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 हम इस घर में नहीं रहेंगे। चलो हम इस घर से चलते हैं। क्यों नहीं रहा मनीषा ऐसा? क्योंकि जिंदगी को और भी मुश्किल बना दिया ना तुमने। क्यों किया ऐसा?
होगा, भागना है ना। हाँ दौड़े थोड़ा। चल उम्मीद नहीं थी कि ये मनीषा इस हद तक चली जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बेटे इन दोनों बहुओं को इनकी हद दिखा देंगे। और सुन, आज के बाद ये मनीषा चूं तक नहीं करेगी। हेलो पुलिस स्टेशन, पागल हो गई हो छोटी? इतने से मन नहीं भरा तुम्हारा? मन तो भर गया है जीजी इनकी हैवानियत से। अब इन्हें सजा दिलवाने का वक्त आ गया है। नहीं, वो लोग हमें मार डालेंगे। रोज रोज ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है जीजी। आपको क्या लगता है ये लोग इतने जुल्म क्यों करते आ रहे? क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा ताकत है? नहीं, इसलिए क्योंकि आप इसे डरते डरते सहती आ रही है। लेकिन मैं नहीं सहूंगी जीजी। हेलो पुलिस स्टेशन जी, मैं नया मोहल्ला से बात कर रही हूँ। फोन आया था यहाँ से? नहीं, हमने तो कोई फोन नहीं किया। पता तो यहीं का लिखवाया था। बहू दूध तो पिला दे इसे, भूखा है, कितनी भूख लगी है इसकी। दारोगा जी, अरे अभी क्या बताऊं आपको, एक गली के आवारा लड़के सुबह से लेकर शाम तक ऐसे धमाल चौकड़ी मचाए रखते हैं कि क्या कहूं। इतना शोर मचाते हैं कि मेरा पोता तो सो ही नहीं पाता है। आज मैंने भी डांट दिया तो मुझे को धमकी देने लगे कि नींद तो अब हम हराम करेंगे तुम्हारी। उन्होंने ही फोन किया होगा आपको। सॉरी, मैं चलता। उतारो इसे, चले गए वो पुलिस वाले। और अम्मा इस सुसाइड नोट का क्या करें? अरे रख ले, बाद में कभी काम आ जाएगा। आओ चलो। मुझे माफ कीजिए, बताना हमारे कितना मना किए थे, फिर भी पहले तो तुम्हारे लड़का होने वाला है, इस वजह से सबने हमें परेशान कर रखा, और अब तुम भी जानवी नहीं तो एक ही बार में ले लो। क्यों ऐसे रोज रोज हमें तड़पा के मार रहे हो? पुलिस घर में ना आए इसलिए एक बहू को चारा बनाकर उसकी जिंदगी का डर दिखाकर दूसरी बहू की हिम्मत को बढ़ने से पहले ही रोक लिया गया। कैसे लोग थे ये? क्या इनकी नजरों में औरतों की कोई इज्जत नहीं, उनके अस्तित्व का कोई मान नहीं? इस घटना से जहां मनीषा सहम गई थी, वहीं सुधा के मन में एक बात घर कर गई कि मनीषा चाहे जो कर ले उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उसने बेटे को जन्म दिया है। हर भूल की सजा सुधा को ही भुगतनी पड़ेगी। कहीं इस सोच के चलते सुधा कोई गलत कदम तो नहीं उठाने वाली थी? ये क्या कर रही थी तू? अम्मा जी, वो हम देखना है थे कि मुन्ना ठीक से सो रहा है कि नहीं।
मुन्ने की अम्मा। वो लोग आ गए, मुन्ना को लेकर उनकी आशीष लिया। दूध बाद में पिला लेना, जितनी जल्दी ये लोग डर गए उतना ही अच्छा। देवी, पर ये तो मुन्ना के लिए है। जैसा भाव है वैसा कर। पी। लिया मुन्ना के लिए दूसरा बना दो। नहीं, मैं बना लूंगी अपने आप। किसी की बुरी नजर है। मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? तुम्हें का क्या मतलब? यही तो था। मुन्ना, अरे मेरा मुन्ना कहाँ? मेरा किधर गया? अरे कोई ले गया रे। अरे ये देखो, खिड़की खुली है। अरे कोई खिड़की से ही ले गया उसे। आप ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि मैं जानती हूँ। अरे ये खुद तो बेटा जन नहीं सकी, इसीलिए मेरा पोता हमेशा इसकी आंखों में खटकता था। अरे इसने तो तकिए से उसके मुंह दबाकर मार डालना चाहा। वो तो है वक्त पर मैं वहां पहुंच गई, पर रात को इसने दूध में जहर मिलाने की भी कोशिश की। ये आप क्या बोल रही है माँ जी? अब समझ में आया कि कल आपने हमें मुन्ना का दूध पीने को क्यों कहा। जरा सोचिए, अगर उसमें जहर होता तो क्या हम मर नहीं गए? चाल थी तेरी लड़की, चाल, ताकि तेरे ऊपर कोई शक ना कर सके। और वैसा ही हुआ भी। दारोगा जी, मैं कह रही हूँ ना, किसी ने इसी कलबुई ने चुराया है मेरे पोते को। नहीं, ये झूठ है। जीजी तो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है। जीजी ऐसा नहीं कर सकती। अम्मा जी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरे अम्मा, अम्मा जी, अम्मा संभालो अपने आपको। अम्मा चिट्ठी, ये तो फिरौती का लेटर, 5 लाख मांगे हैं बच्चे के लिए। अपहरण हुआ है उसका। काम करो, सुनो, किडने पर जगह बताने के लिए फोन जरूर करें। सभी लोगों का फोन टैपिंग पे डालो और घर के अंदर बाहर अंडर कवर आदमी लगा। ओके सर। ठीक है, जल्दी
मुन्ना को कुछ होगा तो नहीं दरोगा जी। अक्सर ऐसे केसों में किडने पर फिरौती के बाद अपनी पहचान छुपाने के लिए विक्टिम को मार देते हैं। इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि इतना छोटा बच्चा किडने पर को पहचान नहीं पाएगा। तो दरोगा जी मेरा बेटा मिल जाएगा ना? लेकिन आप लोगों का भी सहयोग चाहिए। अगर दोबारा आप लोगों के पास कोई फोन या लेटर आता है तो आप हमें जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। जी चलता हूँ। अम्मा जी हम बाजार जा रहे हैं राशन का सामान लाने। क्या हुआ अम्मा? अरे ये देखो सुधा की डायरी। अरे पन्ना देखो, ऐसे पन्ने में फिरौती की चिट्ठी आई थी ना। अब देखते ही रहोगे। अरे पुलिस बुलाओ, पुण्य की जान खतरे में है। बुला रहे अम्मा, बुला। सही कह रही हैं आप, पन्ना भी इसी डायरी का है और राइटिंग भी हुई है। इस वक्त आपकी बड़ी बहू कहाँ है? अम्मा जी हम सामान ले आए। बोल क्या क्या तूने मेरे पोते के साथ क्यों किया? बोल। छोड़िए इन्हें, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मेरे पोते को चुराया इसने। ये देख रहे हैं ना आप सब, देख रहे हैं ना इसकी डायरी को। अरे मेरे वंश को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहती ये। हम ही ने चुराया है, हम ही ने चुराया है और हमको ही पता है कि वो कहाँ है। पर तब तक नहीं लौट आएंगे जब तक आप इन पुलिस वालों को ये नहीं बता देते क्या किया है आप सब लोगों ने हमारे साथ। पता ही इन्हें कि 8 बार हमारा अबॉर्शन करवाया आप सब लोगों ने, क्योंकि हमारे पेट में बेटी थी। बताइए कि कैसे बाबूजी बार बार हमें समझाते थे अपने देवर जगत से संबंध बनाने के लिए। बताइए आप सब लोगों के कहने पर जगत ने हमारे साथ जबरदस्ती की। बताइए ना कि कैसे आप सब जानवरों की तरह पीटते थे हमें। जब तक
आप लोग अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे, हम नहीं बताएंगे कि मुन्ना कहाँ है। पागल हो गई है ये, पागल हो गई है, झूठ बोलती है, अपना जुर्म छुपाने के लिए तरह तरह के बहाने कर। जगत प्लीज पुलिस को सब कुछ सच सच बता दीजिए, नहीं तो जीजी हमारा मुन्ना नहीं लौटाएंगी। जगत सब कुछ कबूल कर लीजिए, सच बोल दीजिए प्लीज। मत मारी गई, तेरी पागल हो गई है। दरोगा साहब, अम्मा का साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे भौजी पगला गई है, और अभी आपके सामने जो अपना जुर्म कबूल किया है उन्होंने, हमारा मुन्ना इनके पास है, किया ना। आपका जिम्मेदारी बनता है दरोगा जी, हमारा भौजी से हमारा मुन्ना वापस लौटाने का जिम्मेदारी आपका बन। अबरान का हम मर भी जाएंगे तो भी नहीं बताएंगे कि मुन्ना कहाँ है। जब तक आप सब लोग अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेते, हम नहीं बताएंगे। ले चलो इनको। नहीं बताएंगे हम, हम नहीं बताएंगे मुन्ना को। बस सच सच बताओ, बच्चा कहाँ है? आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुन्ना मेरे पास ही है, मैं आपको सब बताती हूँ। बस अम्मा बस, वो भी इंसान है, कब तक दबती तुम्हारी मनमानी के आगे? उसको आज नहीं तो कल कदम उठाना था। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सब आपकी वजह से। हमारा नजर गंदा नहीं था भौजी पर आपकी जीत की वजह से हम नहीं कबूलेंगे कोई गुनाह, नहीं कबूलेंगे। तो फिर आप विवेक भैया से कहिए ना कि अपना गुनाह कबूल करें, कि इन्होंने जीजी का 8 बार अबॉर्शन करवाया है, नहीं तो हमारा मुन्ना हमें नहीं मिलेगा। मैं क्यों कबूलूं? मैंने तो अम्मा और बाबूजी के कहने पर इन्होंने जिंदगी की बेटा चाहिए, मुझे बेटी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मा जी ने जिद की, इसलिए मैंने सुधा का ऑपरेशन करवाया। इनकी ही जिद से मैंने जगत को सुधा के कमरे में भेजा। अम्मा गुनहगार है, अम्मा तुम ही क्यों नहीं कबूल कर रही हो? पाखंड जी, ये सब मैं तेरे लिए कर रही हूं ताकि तेरा वंश आगे बढ़े, और तू मुझे अपनी माँ को ही जेल की हवा खिलाना चाहता है? एक काम करते हैं, इल्जाम जो है ना इन पर लगा देते हैं। अम्मा अगर जगत और मेरे में से कोई भी अगर जेल जाएगा तो हमारा घर बिगड़ जाएगा, ना काम के ना काज के, बस पूरा फिर इनको खाने और नहाने में निकल जाता है, छुटकारा ही मिलेगा इनसे। अबे शर्मा, अपने बाप पे इल्जाम लगा रहे हो? सुधा के बच्चे गिरवाए तुमने, बहू की इज्जत लूटी तुमने, पर मैं कहां बीच में आ गया है? मुनिवाज, गिरफ्तार कर लो इन सबको। अरे सबको, अरे छोड़िए। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। दुर्गा जी आपके पास कोई सबूत है? किस बिना पर गिरफ्तार कर रहे हैं हमें? हमने तुम सब लोगों की बातें सुन ली है, इससे कुछ साबित नहीं होता। सर, सर अंदर से ये मिला। अभी इससे साबित हो जाएगा कि तुम लोगों ने सुधा से जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवाया। भाई सुसाइड नोट का क्या करें? अरे रख ले, बाद में कभी काम आ जाएगा।
और सोनोग्राफी सेंटर के डॉक्टर ने भी अपना जुर्म कबूल कर दिया है। आपकी बहू का 8 बार सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट किया है और 7 बार अबॉर्शन। तुम सब लोग लंबे चौके अंदर ले चलो सबको। ये सब तुम्हारी ही वजह से हो पाया छोटी, वरना सारी जिंदगी हम इन हैवानों के चंगुल में ही फंसे रहते। आज जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके बाद इन राक्षसों से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इनसे खुद इनका जुर्म कबूल करवाया जाए। आपको अम्मा जी के सामने मुन्ने को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करनी, उसे चुराने का नाटक करना है, ये सब लोग आप पर इल्जाम डालेंगे, पुलिस को बुलाएंगे। पर हम मुन्ना को छुपाएंगे कहाँ? मुन्नी बाई के पास। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था इंस्पेक्टर साहब। मैंने पहले भी आपको फोन करके बुलाया था, लेकिन उस वक्त इन लोगों ने जीजी को फांसी पर लटकाने का डर दिखाकर मुझसे झूठ बुलवा दी। हम लोग ये चाहते थे कि ऐसा कुछ हो कि ये लोग खुद पुलिस को बुलाए। मैंने मुन्नी बाई को अपना दुखड़ा सुनाया तो ये हमारी मदद करने को तैयार हो गए। मैंने खुद रात को इन्हें मुन्ना सौंपा और अगले दिन मुन्ना गायब होने का शोर मच गया और फिर इन्हीं लोगों ने आपको बुलाया। उसके बाद जो कुछ भी हुआ सब आपके सामने। आप चिंता मत कीजिए, इन लोगों ने जघन्य अपराध किया है, इन्हें इनकी सजा जरूर मिलेगी। अक्सर महिलाओं के सपने, उनकी उमंगे, उनकी आजादी शादी के बाद अपनी ससुराल की दहलीज तक सिमट कर रह जाते हैं। मनीषा ने उस प्रथा को अपनाने से इनकार कर दिया, उसका विरोध किया, लेकिन जब खुलेआम उस विरोध को दबाया गया तो मनीषा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सुधा की मदद से उन दरिंदों के खिलाफ ऐसा खेल खेला कि पूरा शैतान परिवार कानून के शिकंजे में आ गया। मनीषा के ससुराल वालों पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए गए। मनीषा के जेठ विवेक, उसकी सास आशा और ससुर जगदीश पर गैर कानूनी तरीके से लिंग परीक्षण का जुर्म साबित हुआ और साथ ही विवेक और उसकी माँ पर सुधा पर दबाव देकर गर्भपात करने का जुर्म भी साबित हुआ। मनीषा के पति जगत पर दफा 376 के तहत सुधा के शील भंग और बलात्कार का जुर्म सिद्ध हुआ, साथ ही पूरे परिवार पर दफा 306 के तहत सुधा की हत्या के प्रयास का जुर्म साबित हुआ। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भी चारों को दोषी पाया गया। आज वो लोग जेल में अपने अपराधों की सजा काट रहे हैं। ऐसे लोग हो जाए सावधान। याद रखें कि यदि औरत जननी है तो वक्त आने पर दुर्गा का रूप भी ले सकती है। जरा सोचें, अगर इसी तरह से बेटियों को गर्भ में खत्म किया जाता रहा तो इस संसार के भविष्य का क्या होगा? इसी सवाल के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और सत्य घटना के साथ। तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।